leads to question number 3 of exercise 13.6, that is surface area and volume. Question number 3 is, a soft drink is available in 2 packs. Soft drink available hai 2 type ke packs mein. First pack hai a tin can with the rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having an height of 15 cm. एक टिन कैन है जिसका बेस रेक्टेंगुलर है और जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दी हुई है. तो सबसे पहले हम अपना रेक्टेंगुलर बेस का टिन कैन बना लेते हैं. देखिए एक कैन दे रखा है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, तो लिख लेते हैं लेंथ ब्रेथ हाइट. लेंथ दे रखी है हमारी 5 सेंटीमीटर, देखिए ये दे रखी, और ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर, राइट. ये हमें इसकी डायमेंशन दे रखी है, और ये कैन हमारा रेक्टेंगुलर बेस की फॉर्म में, राइट. अब सेकंड कैन कैसा है, अ प्लास्टिक सिलेंड्रिकल विद द सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर. एक प्लास्टिक सिलेंड्रिकल शेप है, तो देखिए सिलेंडर की शेप बना लेते हैं. ये एक सिलेंडर की शेप में है. अब आगे क्या कह रहा है, देखिए सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस है जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है. ये डायमीटर हो गया और ये हाइट, तो लिख देते हैं यहाँ पे जिसका डायमीटर हमारा 7 सेंटीमीटर है और हाइट हमारी 10 सेंटीमीटर है, राइट. अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, विच कंटेनर हैज अ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच. ये दो टाइप के कंटेनर्स दे रखे हैं और ये बताना है किसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है इसकी या इसकी. ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है. तो अगर आप देखेंगे ये किस शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है, और ये किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में. और कैपेसिटी की बात हो रही है, तो दैट मीन्स हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की. तो इसका मतलब हमें दोनों के क्या निकालने हैं, वॉल्यूम निकाल देने हैं. सबसे पहले हम टिन कैन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले फिगर हमारी ये थी, और हम टिन कैन की बात कर रहे हैं, तो पहले टिन कैन लिख लेते हैं. तो टिन कैन की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या डायमेंशन दी हुई है. लेंथ दे रखी है हमारी 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है हमारी 15 सेंटीमीटर. और क्यूबॉइड की शेप में है, तो वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ टिन कैन. तो क्या होता था क्यूबॉइड का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ थी हमारी 5, ब्रेथ थी 4, और हाइट थी 15. तो ये कितना आ गया, 5 4 20, 20 × 15, दैट मीन्स 300 आ गया. और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक यूनिट होती है. अब सेकंड हमारा आता है प्लास्टिक सिलेंडर, सेकंड आता है हमारा प्लास्टिक सिलेंडर की शेप जो आ रही है, जो बनी हुई है प्लास्टिक सिलेंडर की शेप वो, राइट. अब उसमें क्या क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर है हमारा 7 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो देखिए रेडियस आ गया हमारा डायमीटर का आधा, दैट मीन्स 7/2 ही छोड़ रही हूं, आगे सॉल्व नहीं कर रही हूं. और हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. और इसका भी कैपेसिटी निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर, प्लास्टिक सिलेंडर. और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच. अब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो ये आ गई हमारी पाई की वैल्यू, हमें पता है 22/7 होती है. आर अभी अभी हमने निकाला 7/2, ये रहा. और हाइट है हमारी 10, 7/2 × 10. तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10. तो ये कितना आ गया, 7 × 11 is 77. 77 5s are निकाल लेते हैं, तो देखिए 77 5s are 5, 7s are 35, 3 carry 35, 36, 37 and 38. तो ये आ गया हमारा 38
5, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में थी इसलिए सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्यूबिक यूनिट होती है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है विच कंटेनर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किस कंटेनर की ग्रेटर कैपेसिटी है और कितनी ज्यादा है ये बताना है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए हमारे टिन कैन की पहले वाले की हमारी कैपेसिटी आई 300 सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरे वाले की प्लास्टिक सिलेंडर की हमारी कैपेसिटी आई 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम निकाल सकते हैं किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है, तो हम लिख देंगे, हमें पता चल गया प्लास्टिक कंटेनर की ज्यादा है टिन कैन से, टिन कैन की क्योंकि 300 सेंटीमीटर क्यूब थी और प्लास्टिक कंटेनर की 385 सेंटीमीटर क्यूब है। तो प्लास्टिक सिलेंडर हैज हायर कैपेसिटी, ग्रेटर कैपेसिटी या हायर कैपेसिटी, ग्रेटर कैपेसिटी बाय हाउ मच निकालना है, तो बाय कितने से, हम जिसकी ज्यादा कैपेसिटी थी उसमें से दूसरी वाली जिसकी कम कैपेसिटी थी वो माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 85 सेंटीमीटर क्यूब हमारी कैपेसिटी प्लास्टिक सिलेंडर की ज्यादा है, किससे, क्यूबॉइडल टिन कैन के कैपेसिटी से। आंसर